गुड मॉर्निंग जी, सभी को स्वागत है अपने एक नए व्लॉग में। कैसे हो सब? आई होप अच्छे हो गए। हम उठ गए सुबह सुबह और देखो वेदर भी बहुत ज़बरदस्त हो रखा है भाई। तो थोड़ी देर खड़ी होंगी मैं अभी बाहर, फिर चाय वाय बनाऊंगी पीऊंगी और अपने दिन की शुरुआत बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी। और आज का व्लॉग रहेगा कुछ अलग सा, स्पेशल सा। क्या है कि आप इस व्लॉग को पूरा देखना, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये व्लॉग। क्योंकि अभी अगर मैं बता दूंगी तो सस्पेंस ख़त्म हो जाएगा ना। और ये देखिए कबूतर आया था, दिशु ने भगा दिया। दिशु कबूतर को कहीं भी नहीं बैठने देती। दिशु गुड मॉर्निंग बोलो सभी को। अभी हम करेंगे भाई अपनी थोड़ी डस्टिंग वगैरह, चाय वाय पियेंगे, फिर खाना वाना बनाऊंगी, खाएंगे। तो वही बिजी शेड्यूल रहता ही है। और आज मतलब मेरी खुशी रुक नहीं रही है क्योंकि वो कुछ अलग ही व्लॉग है। पूरा व्लॉग देखोगे तभी पता चलेगा मैं किस लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये देखिए वेदर भी ज़बरदस्त हो रखा है, यहाँ पे इतनी ग्रीनरी है ना, बहुत अच्छी। तो आज मैं बना रही हूँ भाई बेसन की रोटी और चिकड़े आंत की जो बोलते हैं। देखो आटा नहीं लगा रही मैं। और ये आप कैसे बना सकते हो, लोई बना के और उस पर थोड़ा सा घी लगा लो। और फिर मैं तो देख बेलन से बेल देती हूँ भाई, हाथ से बनानी नहीं आती। और फिर बिल्कुल अगर हमें चूल्हे जैसी सेकनी है ना, बिल्कुल डिम डिम तवा कर लो। ये देखो चूल्हे की तरह सिक जाएगी, बिल्कुल डिम तवा रखो मीडियम सा। और फिर उसके ऊपर धीरे धीरे सेको, ये नहीं है एकदम से सेकनी है, ये फिर एकदम करारी बन जाएगी। ये इधर बना दिया मैंने बच्चों के लिए बूंदी कराया था। और आज मैं बनाऊंगी बेसन की रोटी क्योंकि राज खाते नहीं और हम तीनों मम्मी बेटा खाते हैं। तो अभी पीछे से बना के खा लेते हैं हम भाई। तो अभी खाना वाना खा लिया था हम, मैंने खुद के लिए बनाई थी भाई जो आम भी होती है और प्याज होती है उसकी चटनी बेसन के रोटी के साथ, मेरे को वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और बच्चों के लिए वही बूंदी का रायता था और बेसन की रोटी। और अभी मैं पहले करूँगी बेड शीट वगैरह लगाऊँगी, बेड वगैरह साफ़ करूँगी, फिर उसके बाद डस्टिंग करूँगी। तो ऐसे ही लगा ही रहता है पूरा दिन। और सैटरडे संडे को तो मेरा और भी ज़्यादा काम बढ़ जाता है। सैटरडे संडे को मैं थोड़ा सा ध्यान से पूरे घर की क्लीनिंग करती हूँ क्योंकि बाकी के दिन यही रहता है। बच्चों को पढ़ाना भी होता है, स्कूल लेके जाना लाना बहुत काम बढ़ा ही रहता है। तो ढंग से अच्छे से डस्टिंग नहीं हो पाती। और आज धूप निकली हुई है तो धूप निकलती है तो पूरे घर को खोल के हवा भी अच्छे से लग जाती है। पूरी खिड़की विड़की खोल देती हूँ मैं। और ये देखो पूरा बेड अंदर से बिल्कुल अच्छे से कोना कोना साफ़ करना पड़ता है वरना ये पूरा वाइट वाइट सा हो जाता है। और आज पहले मैं है ना डेली पहले डस्टिंग वगैरह करती थी फिर खाना बनाती थी। फिर उसमें क्या होता है कई बार है ना डस्टिंग में मेरा मूड बन जाता है कुछ ज़्यादा करने का तो उसमें 2-3 घंटे लग जाते हैं। ओ फिर खाने में बहुत लेट हो जाता है, बच्चों को भी भूख लग जाती है और मेरे को भी ज़्यादा भूख लग जाती है। और जब डस्टिंग कर लेती हूँ तो बाद में थक जाती हूँ, कई बार खाना बनाने का मन भी नहीं करता बट बनाना तो पड़ता ही है। तो आज मैंने सोचा चलो पहले हम खाना ही खा लेते हैं उसके बाद हम करेंगे अपने घर की सफाई अच्छे से। तो आज के व्लॉग में एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है वो मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखो मैंने है ना ड्रोर वाला बेड ले रखा है, इसमें कंबल वंबल सब कुछ रखा जाता है अच्छे से। और ये मेरा मैट्रेस है स्प्रिंग वाला, इतना ज़बरदस्त मैट्रेस है ना, लोग बोलते हैं कि स्प्रिंग वाला मत लो बट ये इतना ज़बरदस्त है ना, आज तक ऐसा कंफर्टेबल मैट्रेस मेरे को कहीं भी नहीं मिला। जो मेरे वहाँ वाला था वो स्लीप वेल का मैट्रेस बहुत अच्छा था पर ये सबसे बेस्ट है, सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगा ये वाला मैट्रेस मेरे को। और ये हैवी बहुत है भाई,
देखो पूरा बेड आगे पीछे करके मैं पूरा अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। मैं ये सफाई करती हूँ वीक में एक बार बस, क्योंकि डेली डेली नहीं है मेरे पास इतना टाइम, बच्चों का और बहुत काम लगा ही रहता है। और आज बच्चों की चल रही है छुट्टी, तो वो अभी चले गए थे नीचे, तो मैं लगी हुई हूँ अपनी डस्टिंग में, क्योंकि एक बार बच्चों को खिला दो नहला दो उसके बाद नीचे भेजने के बाद पूरा दिन फिर आराम से डस्टिंग का काम अच्छे से हो जाता है। अभी वो 2-3 घंटे खेल के आएंगे नीचे आराम से, तो तब तक मेरा अच्छे से सारा काम निपट जाएगा। ये देखो, कमेंट करके बताना भाई ये मेरे फ्लावर आप लोगों को कैसे लगे हैं। मेरे को तो बहुत प्यारे लगते हैं अपने बेड पे रखे हुए, और हम अपने बेड पे सिर्फ 2 ही पिल्लो रखते हैं, ज़्यादा मेरे को पसंद नहीं, बेड भरा भरा रहता है। और अभी अंदर का सारा करके बेड शीट वगैरह लगा दी दोनों बेडों की। अब मैं आ गई हूँ बाहर, ये छत हो रखी है गंदी बहुत, दिन से बारिश हो रही थी ना, तो मतलब बारिश का ही पानी गिरता रहता था, ढंग से साफ़ करने का टाइम नहीं मिलता था, तो अभी मैं कर दूँगी इसको पूरा क्लीन। एक बार ऐसे पानी मार के और फिर लगा देती हूँ वाइपर। बाल एक ही दिन में मैं अपना पूरा कर ही देती हूँ फिनिश, सारी बालकनी धोना, ये ओपन टेरेस धोना, तो सब कुछ मेरा लगा ही रहता है। एक दिन तो मेरा सैटरडे हो या संडे हो ये बिजी ही जाता है, क्योंकि एक दिन ढंग से सफाई हो जाए ना पूरे घर की वीक में, तो फिर घर बिल्कुल क्लीन क्लीन ही रहता है हमारा। और इस बार मैं 1-2 दिन में अपने सारे कर्टेन वगैरह भी वॉश करूँगी, क्योंकि जब से आए लगे हैं ना मैंने कर्टेन एक बार भी वॉश नहीं किए हैं, तो थोड़ा सा जब राज आ जाएंगे ना तो उनसे निकलवा के और तब करूँगी इनको मैं वॉश। देखिए बाहर वेदर भी बहुत ज़बरदस्त हो रखा था, मतलब धूप भी थी, और ये देखो बादल भी कितने पीछे आपको दिखाई दे रहे होंगे, बहुत अच्छे हैं। और ये मेरे सामने पहाड़ी तो इतनी ज़बरदस्त व्यू देती है ना, ग्रीन 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 ग्रीन, तो बहुत मज़ा आता है। तो ये सब ख़त्म करके फिर झाड़ू लगाऊंगी, फिर पोछा लगाऊंगी, फिर करूंगी थोड़ा सा किचन अरेंज। कर रही हूँ गाइज मैं अपने किचन को क्लीन, पूरी ड्रॉर का पूरा सामान मैंने बाहर निकाल दिया है, अभी सारे को अरेंज करूँगी, ऊपर का भी सारा बिखेर के रखा है, अभी सारे को एकदम फिट लगा दूँगी। देखते रहिए आप लोग पूरा व्लॉग। नो भाई ये वाली ड्रॉर तो होगी मेरी पूरी अरेंज, अभी करूँगी ये ऊपर वाला भी। देखो भाई किचन हो गई मेरी बिल्कुल क्लीन, मेरा फूड हो गया, हो गया सब अरेंज, अभी काम हो गया सारा फिनिश। तूने बुलाया था आ जाना पापा, मैं भी शुरू कह दिया ना आप आ जाओ आ जाओ। अरे वीडियो बना रहे हो ना, कैमरा लगा रखा था आपका, मुझे तो मन लगी थी जो अब हम फोन वाले हैं ना पापा की वीडियो मम्मी की वीडियो तो मेरे छोटे फोन है। अच्छा नहीं लेके जाऊंगा, और बोल मैं भी चाहता तो तोता फोन था। अच्छा ऐसा था, लाइक ऑन कर। क्या बोल रहे हो आप पापा को, दोबारा बोलो क्या। जल्दी आना ड्यूटी से, बोला जल्दी लेट क्यों जाते हो, जल्दी क्यों नहीं आते ड्यूटी से। ओके।
अच्छा एक बार दोबारा गुस्सा कर रहा है गुस्सा हो रखे मेरे पे जल्दी नहीं आया इसलिए दीजिए मेरे को गुस्सा तो आप ऐसे 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 गुस्सा क्यों कर रहे हो मेरी मर्जी दीजिए की मर्जी क्यों और क्या क्यों गुस्सा कर रहे हो पापा पे अरे दीजिए तू तो बड़ा बड़ा हो गया भाई ओ बड़े बड़े बाल हो गए पापा के कितने बड़े बड़े हो गए हाँ दीशो ने अपनी कटिंग भी कर रखी है दिखाई है दीशो पापा काट लिए पापा की भी कर दोगे ना कटिंग हाँ कैची दे दूंगी मैं हाँ क्यों काटे थे आपके बाल क्यों मैं गंजा हो जीशु के पास देखो भाई दो दो फोन है भी नहीं पता वो आएगी तो उसको भी सरप्राइज मिलेगा यार वाओ घर की चाय मिलेगी पापा की चाय ना दो जल्दी मम्मा ना ये बन रही है राज जी के लिए स्पेशल चाय आज मैं को भी वही बहुत दिन बाद चाय पीने मजा आएगा क्योंकि अकेले अकेले मेरा पीने का बिल्कुल भी मन नहीं होता और वो देना चाहते थे सरप्राइज तो उनका सरप्राइज हो गया फेल क्योंकि मेरे को ओला ऐप से पता चल गया कि वो पहुँच गए हैं बट उनको मैंने बताया नहीं कि मेरे को पता चल गया है और ये देखो भाई दीशु क्या कर रहा है ये दीशु के पापा इतने साबुन लेके आए हैं और दीशु बना रहा है साबुन का घर अभी मेरे को लग रहा है मैं सारे साबुन इकट्ठे करके एक फैक्ट्री खोल लेती हूँ क्योंकि ये बहुत ले आते हैं हर बार है ना दीशु एक फैक्ट्री खोल ले साबुन की दीशु क्या क्या बेच 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 दिया करो आप ऐसे बोलना आ जाओ साबुन ले लो साबुन नहीं बोलोगे ये अपने साबुन नहीं देगा है ना भाई मैं देखिए ये देखो इनकी शक्ल कैसी हो रखी है ये है हमारी पैसे बनाने की मशीन बच्चे बोलते हैं ना मेरे पापा पैसे लेने जा रहे हैं तो शक्ल ऐसी हो जाए दीशु पैसे बिखेर रहे कौन उठाएगा दीशु उठाएगा ये अभी गप्पू के लिए एक सरप्राइज है देखो ये पहले ही है ना पापा के जूते ढूंढ रही है इसको कुछ शक हो जाता है ये इसने बैग देख लिया एक छोटा सा सरप्राइज गप्पू दीशु के लिए वो बाहर खेल रहे हैं लेकिन हम बताएंगे नहीं हम क्या कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल है ओके ओ मैंगो फ्लेवर वाओ अब देखते हैं उनके रिएक्शन क्या रहेंगे हेलो पापा ही पापा लेके आए हेलो चम्मच देखते हैं इतनी स्मार्ट है बाबलों के अंदर तो आइसक्रीम होती है ये देखो ये दिमाग फल बच्चे तो इस व्लॉग को करते हैं गाइज हम यहीं पे एंड बाकी का मस्ती हमारी क्या क्या मस्ती की वो सब मैं दिखाऊंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में तो सभी देखना भाई हमारा नेक्स्ट व्लॉग और ये देखो आज मेरी हरी चूड़ी जितनी भी थी वो कांच वाली मैं सफाई कर रही थी तो
सारी वो हो गई, तो अभी कल या परसों लेके आऊँगी मैं, देखते हैं कल टाइम मिलता है तो कल लेके आती हूँ, वरना क्योंकि सिल्क चौक जाना पड़ता है, जब गप्पू को स्कूल छोड़ के आऊँगी तब लेके आऊँगी, उधर ही है वो शॉप। तो इस व्लॉग का कर देते हैं हम यहीं एंड, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और जो लोग जुड़े हुए हैं उनका हम दिल से धन्यवाद करते हैं, और आप भी भाई अच्छे अच्छे लाइक और कमेंट किया करो। तो नेक्स्ट व्लॉग भी देखना, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, हम क्या क्या मस्ती करेंगे सब कुछ दिखाएंगे आपको।